Hello everyone, I Farin and I welcome you to my channel The Cooking and Much More. तो आज हम देखेंगे दावतों वाला चिकन पुलाव की रेसिपी जो अक्सर शादियों में बनता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रेसिपी के लिए. उसके पहले अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे प्याज फ्राई हो रही है. लगभग 3 किलो प्याज है और आधा किलो ग्रीन चिली है. उसमें ऐड किया है जिंजर पेस्ट जो है 270 ग्राम. और उसके बाद ऐड किया है ये अदरक का पेस्ट जो है 270 ग्राम. 270 ग्राम लहसुन का पेस्ट और 270 ग्राम अदरक का पेस्ट. अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमें अच्छे से भून लेना है ताकि उसकी जो रॉ स्मेल है वो चली जाए. अगर अदरक और लहसुन की रॉ स्मेल रह जाती है खाने में तो उसका टेस्ट पूरी तरह से बिगड़ जाता है. तो उसे अच्छे से फ्राई करें. यहाँ पे उसे अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें हमने ऐड किया है बे लीफ यानी कि तेज पत्ता. उसके बाद यहाँ पे ऐड किया है टमाटर जो कि 2.5 kg टमाटर है. टमाटर अच्छे से गलना चाहिए. तो अच्छे से गलने के बाद उसमें ऐड किया है चिकन. ये मैरिनेटेड चिकन है. मैरिनेशन के समय उस पर हल्दी, आधा किलो दही यानी कर्ड और नमक के साथ इसे मैरिनेट किया था. टोटल ये 7 kg चिकन है. चिकन को मसालों में डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेना है. और उसके बाद यहाँ पे डाला है ज़ीरा पाउडर जो कि है 100 ग्राम. उसके बाद यहाँ पे नमक ऐड कर रहे हैं. आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा. ये जो सारे मसालों का डिस्क्रिप्शन है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. उसके बाद यहाँ पे ऐड किया है धनिया पाउडर जो है 100 ग्राम. मसालों को हमें चिकन के साथ अच्छे से भूनना है. उसके बाद ऐड किया है 1/2 kg कर्ड यानी दही. टोटल 1 kg कर्ड यूज़ किया गया है. 1/2 kg चिकन मैरिनेट के टाइम पे और 1/2 kg मसाले भूनते टाइम पे. जब हम दही डालेंगे उसके बाद हमें आँच को पूरा लो कर देना है ताकि दही हमारा खट्टा भी ना हो और दही फटे भी ना. यहाँ पे ऐड किया है बिरयानी मसाला जो कि लगभग है 100 ग्राम. उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे ऐड किया है कसूरी पाउडर जो है 50 ग्राम. कसूरी पाउडर को हमें हाथों से थोड़ा मसल देना है और उसके बाद ऐड कर देना है ताकि उसकी खुशबू जो है अच्छे से इन्हांस हो जाती है. चिकन को और मसालों को हमें अच्छे से भूनना है. यहाँ पे लगभग चिकन और मसालों को एक साथ में लगभग 10 मिनट के लिए भुना गया था. मसाले भूनते टाइम हमें गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम पे ही रखनी है. तो यहाँ पे ऐड किया है वाटर. ये बॉइल्ड वाटर है. जितना हमने राइस लिया है उससे 1.5 गुना ज़्यादा यहाँ पे पानी ऐड किया है. और बॉइल्ड वाटर लेने से चिकन भी जल्दी पक जाता है और मसालों की खुशबू बरकरार रहती है. उसके बाद इसे ढक के रख दिया था 10 मिनट के लिए ताकि इसे एक अच्छा सा बॉयल आ जाए. 10 मिनट के बाद पानी जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका था और राइस ऐड करने के लिए बिल्कुल रेडी था. तो उसके बाद यहाँ पे राइस ऐड कर रहे थे. राइस जो है लगभग 8 kg था यानी कि 7 kg चिकन था और 8 kg राइस था. राइस को थोड़ा सा ऑयल लगा देना है ताकि राइस जो है वो चिपचिपा ना बने. यहाँ पे वो राइस
ऐड कर रहे थे और साथ ही में उसको मिक्स किए जा रहे थे। राइस को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे ढक के रख दिया था और आफ्टर 5 मिनट्स उसे चेक कर रहे थे, जैसे कि राइस अच्छे से कुक हो रहा है या नहीं, वो हमें 5 मिनट्स के गैप में चेक करते रहना है और उसको एक बार स्टर भी करना है। यहाँ पे वो राइस को फिर दोबारा एक बार स्टर कर रहे थे और यहाँ पे ऐड किया है कोरिएंडर लीव्स यानि धनिया पत्ता, जो कि लगभग है 250 ग्राम ऑफ धनिया पत्ता। उसे फिर से एक बार हम चलाएंगे ताकि चावल जो है नीचे से जले ना, और फिर से उसको एक बार ढक के रख दिया था। यहाँ पे राइस जो है वो अच्छे से कुक हो चुका था और ये लगभग दम के लिए रेडी था, तो इसे हम अब दम पे लगा देंगे फॉइल पेपर रैप करके। तो यहाँ पे फॉइल पेपर अच्छे से रैप किया था और अब ये यहाँ पे दम पे चढ़ा दिया है और इसे हमें ऊपर कोयला लगा देना है। इससे ये होता है कि इसे दम अच्छे से बैठता है, यानी अगर जब खाना ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो कुछ इस तरह दम चढ़ाया जाता है चावलों के ऊपर। अब दम पे रख दिया था 20 मिनट्स, उसके बाद उसको निकाल के अब यहाँ पे ये फूड कलर ऐड कर रहे थे, ये सैफ्रॉन कलर है, ये इस तरह इसलिए ऐड कर रहे थे ताकि सारे चावलों में कलर वो अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद हल्के हाथ राइस को अच्छे से मिक्स करना है और है ये है राइस का फाइनल लुक, यानी चिकन पुलाव का फाइनल लुक। इफ़ यू लाइक दिस दावत व्लॉग देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड एंजॉय। Bye-bye.